हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। आज इस वीडियो में आईपीएल 2019 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एग्जाम से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड या स्पोर्ट्स जीके से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जैसे आईपीएल 2019 के बारे में पूछ लिया जाएगा कि विजेता कौन है और किस स्टेडियम में खेला गया, ऑरेंज चेक पर किसको दिया गया, पर्पल कप किसको दिया गया, ऐसे क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में कवर किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो देखते समय आप लोग वीडियो लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हर वीडियो में आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन मिलता है करने के लिए, एक क्वेश्चन आपके लिए है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, इसका आंसर आप लोग को देना है, और सोलर सिस्टम को किसने खोजा, इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में लिख के देना है। चलिए देखते हैं कितने लोगों से ये क्वेश्चन बनता है। वैसे सब लोगों से बनना चाहिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जल्दी से कमेंट में लिख के आंसर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो भी। तो इस वीडियो में आईपीएल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब पूर्ण कवर किए हैं। जैसे यह प्रतियोगिता आईपीएल और बीसीसीआई द्वारा आयोजित किए जाते हैं, यह T20 टूर्नामेंट है, सब लोगों को पता होगा ये तो। और कब से आयोजित किया जा रहा है, 2008 से। कब से आयोजित किया जा रहा है, 2008 से आयोजित किया जा रहा है। अब तक टोटल कितने सीजन हो गए, 12 सीजन हो चुके हैं। आईपीएल लीग का पहला सीजन किसने दिया था, राजस्थान रॉयल्स ने। किसने जीता, राजस्थान रॉयल्स, ये जरूर याद रखना है आप लोगों। जबकि मुंबई इंडियंस ने सर्वाधिक बार फाइनल जीता है। अब कितने बार टोटल हो गया, 4 बार। इस बार जीतने के बाद 4 बार हो गया मुंबई इंडियंस का फाइनल। मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल को फाइनल में हरा दिया है। इसी के साथ मुंबई को 20 करोड़ रुपए और चेन्नई को कितना मिला था, 12.5 करोड़ रुपए मिला। जीतने वाले को 20 करोड़ और चेन्नई सुपर किंग्स को, उप विजेता को 12.5 करोड़ मिले हैं, आप लोग को याद रखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, परफेक्ट कैच ऑफ द सीजन किसको मिला गया है, इसमें प्राइज मनी कितनी है और किसको मिला था और किसके खिलाफ मिला था, किसका कैच लेने को मिला। तो परफेक्ट कैच ऑफ द सीजन मिला है 10 लाख रुपए इसको मिला है, किरण पोलार्ड को। चेन्नई के खिलाफ रैना का कैच लिए थे, किसके खिलाफ, चेन्नई के खिलाफ रैना का कैच लिए थे। एक बात और बता दूँ कि आप लोग को इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो के नीचे। स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द सीजन किसको मिला है, लोकेश राहुल को। 14 मैच में 593 रन बनाए थे लोकेश राहुल ने, इनको भी 10 लाख रुपए मिला है। गेम चेंजर ऑफ द सीजन किसको मिला है, राहुल चहर, मुंबई के खिलाड़ी हैं, 13 मैच में 13 विकेट लिए हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन किसको मिला है, शुभमन गिल, कोलकाता के खिलाड़ी हैं, 14 मैच में 296 रन बनाए हैं। पर्पल कैल सबसे ज़्यादा, आप लोगों को सबसे ज़्यादा याद रखना है, पर्पल कैल, ऑरेंज कैप और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर विजेता और उपविजेता, और यह किस स्टेडियम में खेला गया था, ये जरूर आप लोग को याद रखना है, क्योंकि PSC 2016 में ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया था कि किस स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया था। तो पर्पल कैप किसको मिला है, इमरान ताहिर को, ये चेन्नई खिलाड़ी हैं, 17 मैच 26 विकेट में कितने विकेट लिए हैं, 26 विकेट। ऑरेंज कैप किसको मिला है, डेविड वार्नर को, 10 लाख, ये हैदराबाद से खेलते हैं, 12 मैच में 692 रन बनाए हैं, 12 मैच में 692 रन। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर, ये आंधे रसेल कोलकाता से खेलते हैं, 369 मिला इनको, 10 लाख रुपए इनको ही मिला है। विजेता उपविजेता आप लोग पता ही है, विजेता को 20 करोड़ रुपए मिला था और उपविजेता को 12.5। विजेता कौन बना है, मुंबई इंडियंस, और उपविजेता चेन्नई सुपर किंग। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन कौन है, कार और ट्रॉफी उनको मिली है, आंधे रसेल इसमें भी है, सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रन खेलते हैं। और फेयर प्ले अवार्ड किस टीम को मिला है, सनराइजर्स हैदराबाद को। फास्टेस्ट 50 का अवार्ड किसको मिला है, हार्दिक पांड्या को, 17 बार में वो 50 लगाए हैं, हार्दिक पांड्या। और बेस्ट ग्राउंड किसको मिला है, बेस्ट ग्राउंड 7 मैचों के लिए हैदराबाद को, किसको मिला है, हैदराबाद को, इनको 50 लाख रुपये मिला है। बेस्ट ग्राउंड 7 मैचों के लिए पंजाब को मिला है। मैन ऑफ द मैच फाइनल में किसको मिला है, 1 लाख रुपये जसप्रीत बुमराह को मिला है, 2 विकेट लेने के लिए, और 5 या 7 रन ऐसे समथिंग दिए थे।
सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच फाइनल मैच में कौन थे? फाफ डुप्लेसिस, 200 स्ट्राइक से खेले थे, कौन थे? फाफ डुप्लेसिस। नेक्स्ट है स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द मैच किसको दिया गया फाइनल मैच में? किरण पोलार्ड को, 25 गेंद में 41 रन बनाए थे। गेम चेंजर ऑफ द मैच 1 लाख राहुल चहर, 4 ओवर में 14 रन 1 विकेट। चलिए और इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं, कौन किस सीजन में जीता और कहां पे जीता। जैसे पहला मैच 2018 में चालू हुआ था आईपीएल, तो पहला मैच किसने जीता था? राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग को हराकर। कहाँ हुआ था, कौन से स्टेडियम में? डीवी पाटिल स्टेडियम, 2008 में हुआ था। डेक्कन चार्जर 2009 में जीती थी। दक्षिण अफ्रीका मैच हुआ था, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वो विजेता रही और डेक्कन चार्जर जिसको अभी हैदराबाद नाम चेंज हो गया है वो जीती थी। थर्ड चेन्नई जीती थी मुंबई इंडियंस को हराकर, ये भी डीवी पाटिल स्टेडियम में हुआ था। चौथा भी सीजन मुंबई चेन्नई सुपर किंग जीती थी 2011 में भी, ये चिदम्बरम स्टेडियम में हुआ था। आप लोग इसको देख लीजिए, आप लोगों से अधिकतर लास्ट वाले पूछे जाएंगे, जैसे 11वां सीजन और 12वां सीजन। तो 11वां सीजन चेन्नई सुपर किंग सनराइजर हैदराबाद को हरा कर जीती थी, कहाँ हुआ था? 2018 में वानखेड़े स्टेडियम में। कहाँ हुआ था? वानखेड़े स्टेडियम। इसको जरूर आप लोगों को याद रखना है, 2018 का और 2019 का। 2019 मुंबई इंडियंस, ये तो सब लोगों को याद ही रहेगा, चेन्नई सुपर किंग को वो विजेता रही है। और कहाँ हुआ था? राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में। इससे पहले कहाँ होना था? रांची स्टेडियम में होना था, लेकिन वहाँ कुछ चलते सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया कुछ स्टेडियम को, इसलिए वहाँ पे नहीं हो पाया, इसलिए राजीव गांधी स्टेडियम में चेंज किया गया था। आप लोग स्टेडियम का नाम जरूर याद रखना है। तो वीडियो कैसे लिए कमेंट में लिख के बताएं, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।